हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोकी चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में आरपीएफ एनी सैलरी कांस्टेबल के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है सीबीटी के मार्क्स के बारे में। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पिछले वीडियो पे एक ही प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं कि सर, अगर मेरे मार्क्स जो हैं सीबीटी में कम है। जी हाँ, अगर मेरे मार्क्स सीबीटी में कम है सर, समझ लीजिए कि आप 35 तक मेरे स्कोरिंग मार्क्स हैं और कोई 60 नंबर जो है स्टूडेंट का जो नंबर है टोटल, उसमें से किसी के 40 मार्क्स हैं या किसी के 35 मार्क्स हैं या किसी के 50 मार्क्स हैं, तो इस प्रकार अगर मेरे से ज़्यादा जो नंबर पाए हुए हैं तो उनमें जो संख्या है टोटल 798 की टोटल पोस्ट है, यानी कि 800 अगर हम राउंड फिगर कर देते हैं, तो सर इस प्रकार जो है ज़्यादा मार्क्स जो सीबीटी में ऑलरेडी गेन कर चुके हैं तो उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, या फिर जो हमारे कम मार्क्स हैं जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स भी आए हैं तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था पीटी और पीएमटी के लिए साथ ही, और ट्रेट अगर वो पीटी और पीएमटी क्लियर कर लेते हैं तो वो सीधा ट्रेड टेस्ट में चले जाएंगे, तो यानी कि उनका जो सीबीटी का मार्क्स है वो 25 रहेगा और मार्क्स आपको पीटी पीएमटी में मिलने वाला नहीं है। रही बात अब ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि 40 मार्क्स में आपको सिर्फ 15 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो सर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें तो जो 25 नंबर पर है वो तो हमेशा 25 ही नंबर रहेगा, उसका तो ग्रोथ होगा नहीं। तो फिर रेलवे वालों ने, आरपीएफ ने फिर इतना ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया, क्योंकि जब उनको हाईएस्ट मार्क्स वालों को ही लेना है तो सीबीटी के अनुसार जो मार्क्स मिले हैं, जी हाँ, जो सीबीटी के अनुसार जो मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, उन्हीं की बेस के आधार पे एटलीस्ट 10 गुना या 15 गुना लोगों को बुला लेना चाहिए था। तो 800 का जो अगर टोटल पोस्ट है उसका 10 गुना होता है 8000, तो 8000 या 9000 या 10000 लोगों को बुला लेना चाहिए था, लेकिन आरपीएफ ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को क्यों चुना गया, क्या इसका रीज़न है? तो फ्रेंड्स, आपको इसका रीज़न बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि रीज़न क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, यानी 35 है आपके या 25 हैं, तो सीबीटी में आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेड टेस्ट में भी आपका मार्क्स नहीं ऐड हो रहा है, तो फिर आपका ये जो है 35 वालों का सिलेक्शन होगा कैसे? तो ये जो 35 मार्क्स वाले हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी का 40 मार्क्स है और वो पीईटी में फेल हो जाता है सबसे पहला स्टेप, और अगर वो पास होता है और वो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाता है, जी हाँ, यहाँ पे दो चांसेस है प्रोबेबिलिटी कि जो हाई स्कोरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पीईटी या पीएमटी में, एक तो लो उनका एवरेज होता है क्योंकि वो मोस्टली जो है अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, जिसके वजह से उनका जो है पीटी पीएमटी उतना अच्छा नहीं जाता है एज़ जैसे कि दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो है इसी की तैयारी करते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते जितना वो फिजिकल वाले क्वान्टिटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनका फिज़िकल आसानी से पास हो जाता है। अब बात करते हैं हम, अगर 40 नंबर वाला स्टूडेंट्स है और वो अगर पीटी में ही फेल हो जाता है तो उसके जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली उनको मौका मिलेगा ऊपर आने का, इस प्रकार जो है उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब कुछ 40 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 40 या मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि जो मतलब अपर जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं सीबीटी में, तो ये जो 40 मार्क्स वाले हैं अगर वो फिजिकल पास हो जाते हैं, जी हाँ, अब आते हैं क्वालिफाइंग नेचर ट्रेड टेस्ट में, जिसे हम टीटी कहते हैं ट्रेड टेस्ट। अब ये टीटी में अगर वो क्वालिफाइंग नेचर ये में एग्ज़ाम है, अगर इसमें वो 15 मार्क्स नहीं ला पाते क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट है, यानी कि ये प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली आप कितने निपुण हैं उस अपने ट्रेड में जो ट्रेड का आपने सिलेक्शन किया है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टडी वाले वो ट्रेड पे भी उतना फोकस नहीं कर पाते। मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, इनकेस मैं कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी बात कर रहा हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरते हैं, उनके मार्क्स जो है अच्छे आ जाते हैं सीबीटी में और वो करते नहीं क्योंकि उनके 2-3 जो है एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली दिए रहते हैं, तो एक के बाद एक उनका रिजल्ट आता रहता है, तो वही पुराने वाले वैकेंसी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि कम समय में वापस एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए रेलवे ने क्या किया, जिन्हें नीडेड है, जो वाकई ही आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनको मौका मिले, जी हाँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, भले वो कम मार्क्स वाले ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो टोटल सब में अच्छे क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो है लो नंबर वाले, जो कम नंबर वाले थे स्टूडेंट्स, उनको जो है फ़ायदा होता है इस एग्ज़ाम में, इसलिए जो है आरपीएफ ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स को बुलाया है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है सीबीटी के अनुसार, जिनके मार्क्स कम है उनको तो बहुत ही फ़ायदा होने वाले हैं, साथ ही जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको तो होगा ही, अगर वो उनके पीटी पीएमटी और उनका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो। अदरवाइज़ दोस्तों, सीबीटी के जो मार्क्स है वो ज़्यादा आपको मायने नहीं रखते, आपका सारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पीटी और पीएमटी में, फिजिकल पे
क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्टेप पार कर लिया है, उस स्टेप के बारे में सोचना आपका व्यर्थ है। आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पीटी और टेट टेस्ट, तो अपने हाथ में जो काम है सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिए। अब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस बेस पे बनेगा, क्या आधार है, ये आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन को आपने ऑलरेडी रीड किया होगा, तो दोस्तों उसी के आधार पर ही आपका जो बनेगा। तो दोस्तों इस चिंता को छोड़ दीजिए, आपके अगर कम मार्क्स है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपको 101% चांस है कि कम मार्क्स वालों को भी सिलेक्शन होगा, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक पे जो है आपको, मैं समझ सकता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है जॉब पाने की वो कम है, चाहे वो कम मार्क्स यानी लो स्कोरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट हो, दोनों को ही डिपेंड करता है तीनों स्टेप में एक एवरेज परफॉर्मेंस करने की। अगर आपका एक एवरेज परफॉर्मेंस रहता है, तीनों स्टेप आप क्लियर करते हैं, तो आपके हाथ में ये जॉब ज़रूर रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी, साथ ही ये वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही दोस्तों स्मार्ट नौकरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।